दोस्तों विराट कोहली को साल 2015 में भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी मिली थी। उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की गैर मौजूदगी में उन्हें कुछ मौकों पर वनडे और टी20 मैचों में कप्तानी करने का मौका मिला था। धोनी ने 2017 की शुरुआत में वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था और उसके बाद विराट को सभी फॉर्मेट की कप्तानी मिल गई थी। विराट ने कप्तान बनने के बाद कई खिलाड़ियों को एक या दो मैचों में मौका देने के बाद टीम से बाहर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको पांच ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे। गौतम गंभीर। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही टीम से बाहर हो गए थे। विश्व कप 2011 और 2007 वर्ल्ड टी20 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले गंभीर 2014 में टीम से बाहर हो गए थे। धोनी के कप्तान रहते उनकी टीम में वापसी नहीं हो पाई। घरेलू मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उनकी भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में उन्हें खेलने का मौका मिला और उन्होंने अर्धशतक भी बनाया। पहली पारी में उन्होंने 29 और दूसरी में 50 रन बनाए थे। इसके बाद कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में खेलने का मौका मिला। इस मैच में गंभीर ने 29 और 0 रन बनाए। इसके बाद उन्हें कभी मौका नहीं मिला। हरभजन सिंह। भारतीय टीम के दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने विश्व कप 2011 की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद वे भारतीय टीम से अंदर बाहर होते रहे। वनडे और टी20 में उन्हें कुछ मौके मिले, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्हें जल्दी ही टीम से बाहर कर दिया गया। विराट कोहली की कप्तानी में साल 2015 में उनकी भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हुई थी। बांग्लादेश के खिलाफ फतुल्लाह में खेलने का मौका मिला। इस मैच में उन्होंने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ गोल में भी उन्हें खेलने का मौका मिला। उस मैच में भज्जी को सिर्फ एक ही विकेट मिला। इस मैच के बाद हरभजन सिंह को भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। परवेज रसूल। जम्मू कश्मीर के ऑलराउंडर परवेज रसूल ने अपने टी20 करियर में एक ही मैच खेला। इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 2016 की घरेलू सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिला था। कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान में खेले गए मैच में उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की और 32 रन देकर एक बल्लेबाज को आउट किया था। इस मैच में उन्हें बल्लेबाजी करने का भी मौका मिला और उन्होंने 5 रन बनाए। रसूल को इस मैच के बाद भारत के लिए कभी खेलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने इससे पहले सुरेश रैना की कप्तानी में एक वनडे मैच खेला था। अभी वे जम्मू कश्मीर के लिए घरेलू मैच में खेलते हैं। मयंक मार्कंडे। आईपीएल 2018 में मुंबई इंडियंस के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करने के बाद मयंक मार्कंडे ने इंडिया ए के लिए भी बेहतरीन गेंदबाजी की। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में भी जगह मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले इस मैच में उन्होंने 4 ओवर में 31 रन दिए, लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। भारत को इस मैच में हार भी मिली थी। 2 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में मयंक को खेलने का मौका नहीं मिला। नमन ओझा। महेंद्र सिंह धोनी की वजह से कई विकेट कीपरों को भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। उन्हें गिने चुने ही मौके मिले और उसमें नमन ओझा का नाम भी शामिल था। घरेलू मैचों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद उन्हें 2015 की श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम में चुना गया। उससे पहले सुरेश रैना की कप्तानी में उन्होंने 2010 में 2 टी20 और 1 वनडे मैच खेला था। रिद्धिमान साहा के चोटिल होने की वजह से उन्हें कोलंबो में हुई सीरीज के तीसरे मैच में खेलने का मौका मिला। इस मैच में उन्होंने 3521 रनों की पारी खेली थी। इसके साथ ही विकेट के पीछे भी 5 शिकार किए। इसके बाद फिर उन्हें भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला।